नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्सल और आप सब मुझे जानते ही हो। तो आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज अभी मैं एक मेरे गांव पे हूँ, तो आप सबको मैं दिखाता हूँ। अभी मैं खेत में हूँ, तो आपने अगर कभी देखे नहीं है खेत, तो आपको मैं आज बताता हूँ कि कैसे दिखाता हूँ कि कैसे खेत होते हैं हमारे गाँव में। तो चलिए देखते हैं, देखिए। तो यहाँ पे भैंसे भी होती है जिसका हम दूध पीते हैं, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। क्योंकि अभी आजकल शहर में ऐसी कुछ हमें देखने को मिलता नहीं है जनरली, क्योंकि हम सब अभी आजकल हम दूध डेयरी में से ही लाते हैं, इसलिए हमें पता नहीं है कि भैंसे कहाँ क्या दूध कहाँ से आता है और क्या होता है। तो देखिए भैंसे कैसी होती है और कहाँ से कैसे दूध आता है। तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको भैंस दिखाई कि ये रही मेरे पीछे भैंस है, तो आपने देखा होगा, देख लिया। तो आपको और कुछ भी दिखा रहा हूँ, ये मेरे पीछे पूरा का पूरा खेत है, आप सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि अभी शहर में कितनी गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर आए गए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने गर्मी तो नहीं बोल सकते, ठंडी भी नहीं बोल सकते हम, क्या बहुत ठंडी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि आपको यहाँ पे बैठने पे इतना अच्छा लगेगा कि आपको यहाँ पे से खड़े होने का मन नहीं होगा। अगर आप लोग 5 घंटे भी बैठ लोगे ना यहाँ पे, तो भी आपको इतनी थकान महसूस नहीं होगी और आपको इतना रिलीफ होगा कि आप कह नहीं सकते। और जो यहाँ पे मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप कहीं पे भी जाते हो ऐसी कोई जगह पे, तो ज़रूर से खेत में जाइएगा, बैठिएगा, थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड कीजिएगा और आपको पता चलेगा कि कितनी मज़ा आती है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए भैंसों को बाय बाय बोलते हैं, बाय बाय। ये छोटू लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ए व्हाट्सअप, ए व्हाट्सअप, से समथिंग। કઈક બોલો યાર, તમે હવે યુટ્યુબમાં લાઈવ થવાના છો, લાઈવ તો નહીં પણ યુટ્યુબમાં અપલોડ થશો તમે, તો કઈક બોલો કેમેરા અહીંયા સામે જોઈને પછી ટી ચાબી દીધી અને હું લઈ જઉં છું। So guys, tea is my favorite Suresh bhai drink. Suresh bhai. यहाँ पे इतनी शांति है कि आप लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे कितनी शांति है, लेकिन मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। कोई नॉइज नहीं, कुछ नहीं, नो पॉल्यूशन, कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन एंड क्लियर एयर, और वो भी एकदम शांति के साथ। तो यहाँ पे अगर आप बैठते हो ना, तो आपका पूरा दिन चला जाएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एकदम शांति है यहाँ पे। अपने सिटी की तरह नहीं कि पूरा दिन नॉइस नॉइस नॉइस, और वो भी क्या गर्मी यार, पूरा सर का वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एकदम शांति है सीरियसली। तो अगर आप लोग यार ये व्लॉग्स और सब देखते हो, मेरे वीडियोस जो मेरे और वीडियोस होते हैं टेक रिलेटेड, वो सब देखते हो, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर कभी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और
आपको देखना होता है और अगर आपको पता नहीं चलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को कंटेंट पसंद आता है लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और फिर YouTube इतना बड़ा है कि आप लोगों को फिर से वो चैनल मिलेगी ही नहीं। अगर आपको नाम पता नहीं होगा तो वो चैनल आपको फिर से नहीं मिलेगी। तो सब्सक्रिप्शन इसलिए होता है कि अगर आपको वो कंटेंट पसंद है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको फिर से कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, इससे आपको वो वीडियोस देखने में आसानी होगी। तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन होता है और उसमें कोई हमारा फ़ायदा होता नहीं है। तो अगर आपको कोई कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने में भी कोई ऐसा मत रखिए कि डिसलाइक नहीं कर सकते, लेकिन कर दीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आया तो कर दीजिए, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है और उसमें से हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड शेयर, उसमें से कुछ हमें नहीं मिलता है। तो अगर आपको पसंद आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर दीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ, गांव में ऐसी चीज़ होती है तो आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को शायद पसंद आएगी, ठीक है। चलिए, तो आप सबको पता होगा कि हम लोग कई बार स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, लेकिन गांव में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो आपको कहाँ पे जाना होगा तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, और बहुत मज़ा भी आता है इसमें। देखिए, सो गाइस, इसको हौज बोलते हैं, यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है इसमें, और फिर इसमें हम लोग नहाने के लिए जा सकते हैं। तो इसमें से पूरे का पूरा पानी है वो खेतों में जाता है, और उसमें से खेतों में